राजधानी दिल्ली में दिवाली के बाद बढ़ा धुआं का गुबार अभी और परेशान करेगा। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में अभी भी प्रदूषण बहुत खराब स्तर पर बना हुआ है। मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अगले 4 से 5 दिन तक एयर क्वालिटी बहुत खराब रहने वाली है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस बार दिवाली पर प्रदूषण का स्तर कम बढ़ रहा है। दरअसल दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों ने इस बार तमाम पाबंदियों के बावजूद जमकर पटाखे चलाए, जिसका असर आबो हवा पर पड़ रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली के लोधी रोड पर मौजूदा मौसम विभाग के एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण 372 से ज़्यादा है, जो बहुत ही खराब श्रेणी में आता है। मौसम विभाग के अधिकारी कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि दिल्ली को आबो हवा अभी कुछ दिन और खराब होने वाली है। अभी हवा की रफ्तार बहुत कम है, जिसकी वजह से कम आने वाले 4 से 5 दिन राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, आगामी 2 से 4 दिनों में अभी दिल्ली वासियों को राहत नहीं मिलेगी। हमारे साथ डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव हैं। सर, आगामी दिनों में राहत मिलने वाली है या किस तरीके का स्तर है? देखिए कि जो अभी हमारे पास हवाओं की दिशा है वो नॉर्थ वेस्टर्ली वेस्टर्ली हवाएँ चल रही है, साथ ही साथ उसकी स्पीड बहुत कम है, इसकी वजह से जो पॉल्यूटेंट है वो डिस्पर्स नहीं हो पा रहे हैं और दिल्ली एनसीआर में ही मोस्टली एक्युमुलेट है। इस वजह से पॉल्यूशन का स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है, और अगर आने वाले दिनों की बात करते हैं 2 से 3 दिनों के बाद, तो लगभग हवाएं हमारे पास इसी स्पीड से ही चलेंगी, उसमें कोई खास परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। तो ये सिचुएशन अब हमारे अगले 2 दिनों तक लगभग बनी रहने की संभावना है। सर, पिछले अगर बात करें दिवाली की, इस बार और पिछली बार में कितना फर्क पॉल्यूशन है? देखेंगे कि पिछले दिवाली और दिवाली में लगभग थोड़ा पॉल्यूटेंट रहा है, अगर एयर क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, लेकिन सीवियरिटी और उसके पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं वो भी हमारे पास वेरी पुअर और सीवियर की कैटेगरी में ही रहा है, लेकिन पिछले 2-3 दिवाली की तुलना में निश्चित तौर पर थोड़े से कमी रही है। और चूंकि ऊपर हमारे पास इसका बादल छाए हुए हैं, इस वजह से विजिबिलिटी भी काफ़ी कम है, और जो कि लगभग 1 से 1.5 हज़ार किलोमीटर की रेंज में चल रही है, तो इस वजह से ज़्यादा फीलिंग भी आ रही है कि हमारे पास एयर क्वालिटी अच्छा है। सर, आगामी दिनों में कोई बारिश होने का आसार है? नहीं, अभी हमारे पास अगर दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं, अगले 3 से 4 दिनों में कोई बारिश होने की संभावना नहीं है। सर, इस समय जो क्वालिटी चल रही है वो कितनी नुकसान है? देखिए, वो तो आपके पास क्योंकि हमारे पास सीवियर और वेरी पुअर क्वालिटी में रेंज में चल रही है, इसलिए हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही नुकसान है। तो ये डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव थे, जिनका कहना है कि आगामी 2-4 दिनों में अभी राहत दिल्ली वासियों को नहीं मिलेगी, और जो एयर की क्वालिटी चल रही है वो अभी वेरी पुअर में चल रही है। तो ऐसे में हमारे द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो जनता है दिल्ली की, वो कहीं ना कहीं इस बढ़ते प्रदूषण से रोकने के लिए घर से कम निकले, ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगा के निकले, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रदूषण जो है वो आपके सेहत को नुकसान पहुँचा सकता है। कैमरामैन सुनील के साथ शिफ्तिया की, जनता टीवी दिल्ली।